आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हम यहाँ बात करेंगे आज अपने जन घोषणा पत्र से राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक हो गए टी एस सिंहदेव जी से। इनके जन घोषणा पत्र ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक ऐतिहासिक जीत का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी उनके जन घोषणा पत्र को लेकर सलाह मशवरा किया गया। मध्य प्रदेश में भी उनके घोषणा पत्र से जुड़ी हुई चीज़ों को जोड़ा गया। अब उड़ीसा का दौरा करके आए हैं, उड़ीसा के विधानसभा चुनाव में भी जन घोषणा पत्र लागू होने की संभावना है। वहाँ पर टी एस सिंहदेव साहब स्वयं गए हुए थे। हम उनसे बात करेंगे जन घोषणा पत्र के बारे में, देश की कुछ अन्य ऐसी चीज़ों के बारे में जिस पर वो अपनी बेबाक बात रख सकें। तो बताना चाहेंगे हम अपने दर्शकों को कि ये जन घोषणा पत्र अचानक एक बहुत बड़ी चीज बन के उभरा है, कांग्रेस के लिए भी, देश के लिए भी, जनता के लिए भी। तो ऐसी क्या नब्ज पकड़ी आपने जनता की? इसमें वास्तविकता ये है कि अंतर केवल घोषणा पत्र और जन घोषणा पत्र का है। हर पार्टी हर चुनाव के पहले अपना एक मैनिफेस्टो जारी करती है, तो घोषणा पत्र तो जारी होते रहे हैं, हर चुनाव में जारी होते रहे हैं। घोषणा पत्र को बनाने की प्रक्रिया हम लोगों ने जन से जोड़ी, लोगों के पास गए और लोगों के पास जाके उनसे भी इंटरेक्शन किया कि आप क्या चाहते हैं, वस्तुस्थितियां क्या हैं। अलग अलग क्षेत्रों में हर जिला मुख्यालय में गए। स्वाभाविक है कि हर जिले में जाने से हर जिले की जो विभिन्न स्थितियाँ थी वो भी सामने आई। बहुत सारी थी जो कॉमन थी, अगर मितानिन है तो यहाँ से लेके उड़ीसा तक और पूरे देश में मितानिन है, तो मितानिन की जो बात आएगी वो कॉमन आएगी। अगर अनएम्प्लॉयड यूथ हैं तो, अगर बस्तर में अनएम्प्लॉयमेंट है तो पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन वो क्या सोचते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, उनका क्या विचार है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। और कई बातें आएंगी जो क्षेत्र विशेष से जुड़ी रहेंगी, जैसे लोहंडीगुड़ा जमीन वापसी का मामला, हर जगह जमीन नहीं ली गई है, नक्सल स्थिति बस्तर ऐसे क्षेत्रों में आएगी, वहाँ के लोग क्या दर्द महसूस कर रहे हैं, कहाँ दबाव महसूस कर रहे हैं। अर्बन एरिया आएगा तो शहरी क्षेत्रों की स्थितियां भिन्न होती हैं, वहां पर ऑटो रिक्शा वाले होंगे, वहां कूली होंगे, जहां रेलवे स्टेशन होगा वहां रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई बातें होंगी, कहीं पर ग्रामीण क्षेत्र में रिक्शा चालक नहीं है, शहर में आपको रिक्शा चालक मिलेंगे। तो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग समूहों से जाके मिलके जो हम लोगों ने काम किया, शायद वो सराहा जा रहा है। और मेरा तो निजी मानना है कि प्रजातंत्र का स्वरूप वो होना ही चाहिए, और जो होना चाहिए राहुल जी की प्रेरणा से हम लोगों ने किया, और अगर उसको मान्यता मिल रही है तो हम लोग के लिए, पूरी टीम के लिए, बहुत मेहनत से साथियों ने इसमें काम किया, लोगों से संबंध बनाया। इसके लॉजिस्टिक्स आसान नहीं है, हर जगह हम लोग गए, मीडिया से भी मिले, बाहर से भी मिले, डॉक्टर से भी मिले, नर्सेस से भी मिले, ड्राइवर से भी मिले, किसानों से भी मिले, उद्योगपतियों से भी मिले, व्यवसायियों से भी मिले, दुकानदारों से भी मिले, सब्जी विक्रेताओं से भी मिले, फल विक्रेताओं की स्थिति अलग है, जो सब्जी विक्रेता हैं उनकी स्थिति अलग है, मटन मार्केट है उनकी स्थिति अलग है। तो अलग अलग समूहों से मिलके उनकी बात को रखने का जो प्रयास हम लोगों ने किया वो मैं कहता हूँ, मेरा मानना है कि जो टीम जिसने सहयोग किया उनका बहुत बड़ा हाथ इसकी सफलता में, और जो सोच हम लोग की थी उसको कार्य के रूप में, जिम्मेदार कार्य के रूप में परिणत करने की जवाबदारी हम लोग निभा सके। कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस देश के लिए। 1947 में हम आजाद हुए, और मेरा ये मानना है कि एक आजादी हमने पाई जब हमको सूचना का अधिकार मिला, रोजगार का अधिकार मिला, कांग्रेस पार्टी ने दिया। और एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी कांग्रेस की इस देश के लिए वो था भूमि अधिग्रहण बिल। तो अब आज इतिहास बनने जा रहा है बस्तर से कि हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा होगा जब किसानों से ली गई जमीन वापिस दी जाएगी। तो इसको, ये आपके घोषणा पत्र में भी था ये चीज, तो इसको कैसा फील करते हैं आज, आज जो सफलता मिल रही है अपने को? बहुत संतोष होता है कि जिन बातों को लोगों से जुड़ के हम लोग सामने ला सके,
कर्मचारी छूट गए थे घोषणा पत्र में, कर्मचारियों की भी बातों को हमने रखा, बहुत विभिन्न समूह थे। और इसी तरह से भूमि विस्थापितों की बात आई, अंग्रेजों के समय में जो कानून बना था कि सरकार जब चाहे, पट्टा कौन देता है, सरकार देती है, पटेल गांव के पटेल उनका एक रुपया आठ आना चार आना जो भी भूभाटक होता है वो हर साल लेते भी हैं, तो मालिक कौन हो गया, सरकार। सरकार किसकी है, पब्लिक की, लेकिन मालिक कौन हो गया, सरकार। जब चाहे तो आपका अधिकार उस हद तक सीमित है कि आपको पट्टा तो दिया, आप उसके मालिक तो बना दिए गए, लेकिन सरकार चाहे तो ले लेगी। इस बात को भांपते हुए राहुल जी ने भट्टा परसौल में मूलभूत क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की पहल की कि नहीं, जिसकी भूमि है वो भूमि का अगर मालिक है तो जब तक वो नहीं चाहता आप उनकी जमीन नहीं ले सकते। डिफेंस और कुछ कार्यों को इसके लिए छोड़ा गया है कि अति आवश्यक कार्यों के लिए अगर लिया जाना है तो कुछ उपयोग इसमें छोड़े गए हैं, लेकिन शेष उपयोग के लिए, उदाहरण के लिए कोई उद्योगपति जमीन लेना चाहे तो सरकार ले लेती थी और दे देती थी, लेती थी सरकार, देती थी उद्योगपति को। तो ये जो कड़ी थी इसको राहुल जी ने भांप के और जो कानून में परिवर्तन कराया, 126 साल से ज्यादा अंग्रेजों के समय का वो कानून था कि नहीं, अब अगर आपको जमीन लेनी है तो भूमि स्वामी की सहमति होनी चाहिए, अगर ज्वाइंट वेंचर है गवर्नमेंट और इंडस्ट्री का तो 70% भूमि स्वामी की सहमति, ग्राम पंचायत भी नहीं, भूमि स्वामी जिनकी जमीन जा रही है, और अगर गवर्नमेंट का उपक्रम है तो 80%, सॉरी गवर्नमेंट का है तो 70 और उसमें है तो 80% ज्वाइंट सेक्टर में। तो इस बात को साथ में ये जोड़ा गया कि आपने अब जमीन भी ले ली, सहमति भी होगी, किंतु जिसने इस जमीन को लिया वो काम वास्तव में नहीं करना चाहता, मान लीजिए तो एक तरह से लैंड की डीलिंग में आ गया कि जमीन हमने ले ली, अब जमीन हमारी हो गई, हम चाहे जो करें। उन्होंने कहा नहीं, जिस उपयोग के लिए आप किसानों की जमीन ले रहे हैं, जिससे कि वो परंपरागत मालिकाना हक से वंचित हो रहे हैं, पुश्तैनी हक से वंचित हो रहे हैं, पिता की भूमि बच्चों को जाएगी, बच्चों के बच्चों को वो फिर जमीन उसका हिस्सा जाएगा, उससे आप उनका नाता हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वाकई में देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, जिसमें उन परिवारों के भी विकास सम्मिलित है, उनके लिए अगर आप कोई उद्योग ला रहे हैं जिसमें उनका भी कहीं ना कहीं लाभ होगा, परिवारों का भी लाभ होगा, देश और समाज का तो होगा, तो आप जमीन ले रहे हैं तो चलिए ठीक है, पुश्तैनी हक से उन लोगों ने सहमति दे के दे दिया, पर आपने ले लिया और आप उद्योग भी नहीं लगा रहे, यानी उनकी जमीन भी गई, उनका अधिकार भी गया, और आपने जिस काम के लिए लिया, अधिग्रहित किया, वो भी काम आप नहीं कर रहे, तो आपको वापस करना होगा। और इस कानून में राहुल जी ने इसको सम्मिलित करवाया कि 5 साल की सीमा, 5 साल तक आप काम अगर चालू नहीं करते तो जमीन आपको वापस देनी पड़ेगी, या तो किसानों को या लैंड पूल में। पहला किसान को लिखा है, सेकेंड लैंड पूल लिखा हुआ है। आज वो ऐतिहासिक दिन आया है जब इस कानून को लागू होते हुए हम लोग देश में देख रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात हम लोगों के लिए है, बहुत संतोष की बात हम लोगों के लिए है कि जो क्रांतिकारी परिवर्तन भू अधिग्रहण कानून में राहुल जी की इनिशिएटिव से हुआ था, आज उसको परिणित होते हुए हम लोग बस्तर में देख रहे हैं। बड़ा आंदोलन यहाँ पर चला था, और एक और संयोगी कह लें और न्याय कह लें, देखिए कि कैसे ये बातें जगह बनाती हैं। वहां जब ये प्रशासन गया, ये हम लोग की भी किसी की जानकारी में नहीं था, जब प्रशासन गया तो लोगों ने आके बताया कि इसमें तो हम लोग को इंदिरा जी के समय जमीन मिली थी, ये हम लोग किसी के ध्यान में ये बात नहीं थी। लेकिन देखिए न्याय और सामाजिक न्याय और कैसे प्राकृतिक न्याय, नैसर्गिक न्याय कैसे होता है, इंदिरा जी ने जिन बस्तर वासियों को भूमि का अधिकार दिया था और वो अधिकार कानून के माध्यम से एक तरह से छिन गया था या ले लिया गया था, आज पुनः उनको वो भूमि का अधिकार उनके नाती के माध्यम से, राहुल जी की इनिशिएटिव के माध्यम से, राहुल जी ने छत्तीसगढ़ में जिस कांग्रेस पार्टी के कैंपेन को लीड किया और इन बातों को कहा, यहां भी आके उन्होंने कहा ये जमीन हम आपको वापस दिलाएंगे, और बार बार राहुल जी यही कहते हैं कि नहीं, मैं उतनी ही बातों को अपने से कहता हूँ, बाकियों की बात नहीं जानता मैं, तो मैं अगर कहता हूं मतलब हम बिल्कुल सीरियस हैं इसको करेंगे, तो उन्होंने कहा था और आज वो दिन पूरा हो रहा है। इंदिरा जी के समय जिन लोगों को पट्टा मिला था और उस पट्टे से वो एक तरह से बेदखल हो गए थे, उन्होंने हो सकता है सहमति भी कहीं व्यक्त की हो,
आज नैसर्गिक न्याय हो रहा है, प्राकृतिक न्याय हो रहा है, वो पट्टा राहुल जी के ही हाथों हमको वापस मिल रहा है। देश में एक नई बात पैदा की जा रही है, बदले की राजनीति। मायावती के कार्रवाई होती है तो बदले की राजनीति की जा रही कहते हैं, जब ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनके मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होती है तो बदले की कार्रवाई की जाती है। छत्तीसगढ़ में जब रमन सरकार के कामों की जांच होती है तो वो भी कहते हैं कि बदले की कार्रवाई हो रही है, केंद्र में भी कुछ ऐसी चीजें हैं। तो ये बदले की कार्रवाई का जो शब्द है, ये क्या जनता को मूर्ख बनाने के लिए है या अपने पाप छुपाने के लिए है? अमूमन ये डिफेंस मैकेनिज्म है कि अगर आपने कोई गलती नहीं की तो जांच होने दीजिए, बदले की कार्रवाई से होगा क्या अगर कहीं कोई गलती नहीं है? कार्रवाई हो रही है ना, आप उसको बदले की कार्रवाई की संज्ञा अगर दे रहे हो तो स्वाभाविक है कि आप एक डिफेंस बनाना चाह रहे हो। अगर किसी ने भी किसी भी कारण से जांच संक्षिप्त कर दी, क्या फर्क पड़ना चाहिए? जांच करा लीजिए, मेरी चीजें सही हैं, अगर सही होगा तो ठीक होगा। कहीं ना कहीं ऐसी भावनाएं महसूस होती हैं कि हो सकता है इसमें ऐसी भी भावना हो कि नहीं तो नया जांच नहीं होती, अगर ऐसी बात नहीं होती, कोई और कारण नहीं होता तो शायद जांच नहीं होती। वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जांच तो हर परिस्थिति में होनी चाहिए। जांच नहीं होना भी जांच का कारण है, लेकिन जांच नहीं हो रही है तो वो भी अपने आप में एक कमी ही है कि कहीं है कमी लेकिन जांच नहीं हो रही है। जांच हो रही है उसको खुले उससे लेना चाहिए कि कोई गलती होगी तो ठीक है, वो सुधर जाएगा, और गलती नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं। मैं आखिरी सवाल आपसे और करना चाहूँगा, अभी राहुल जी ने प्रियंका जी ने भी कहा कि पुलवामा में जो घटना घटी है उसको लेकर सरकार जो भी निर्णय करेगी, जो भी करेगी, हम उनके साथ में है। लेकिन अभी नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ और कह दिया, पाकिस्तान से बात होना चाहिए, डायलॉग बंद नहीं होना चाहिए। तो ये जो पार्टी लाइन की बात से करते हैं हमारे लीडर लोग, बड़े नेता आपके पार्टी के, राहुल गांधी जी वगैरह, उसमें ये लोग कहाँ से इस तरह की बात करके फिर एक नया विवाद पैदा कर देते हैं और पार्टी को संदेह लाने लायक बना देते हैं? एक व्यक्ति का कुछ कहा हुआ उतने मायने नहीं रखना चाहिए पार्टी के लाइन के सामने। वो व्यक्ति की राय हो सकती है, व्यक्ति की राय उसको तरजीह ही नहीं देनी चाहिए। अगर किसी ने कुछ कहा तो वो पार्टी के खिलाफ जाके कुछ कर रहा हो उस श्रेणी में भी नहीं आता है। अगर आता है तो उनका फिर जगह पार्टी में भी नहीं रह जाता। पार्टी की लाइन वो पार्टी के लिए है, व्यक्ति ने कुछ बोला वो व्यक्ति की राय, बहुत ज्यादा उसका पार्टी के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल जी ने जो बोला पार्टी की लाइन है, पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता ने बोला ये पार्टी की लाइन है, बाकी जिसने बोला वो पार्टी के लाइन नहीं हो सकता। वो चाहे व्यक्ति हो उसको तो व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए कि एक व्यक्ति ने अपनी राय व्यक्त की। तो ये थे टी एस सिंहदेव जी, जो बड़ी बेबाकी सबकी बातें रखते हैं और हमें मौका मिला उनसे बात करने का। दखल न्यूज के लिए संजीव पचौरी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।